वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग हम लोग चीटिंग का जो है वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 416 ऑफ इंडियन पेनल कोड दैट डील्स विद चीटिंग बाय पर्सोनेशन इन द प्लेस ऑफ द पर्सन। किसी पर्सन की जगह लेके आप उनको चीटिंग कर रहे हो। सो वी हैव सम इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सेक्शन। द फर्स्ट इज दैट देयर मस्ट बी अ चीटिंग। यहां पर इस सेक्शन में इफ यू वांट टू प्रूव सेक्शन 416 देन यू नीड टू प्रूव फर्स्ट दैट देयर इज अ चीटिंग। एज वी हैव डिफाइंड अंडर सेक्शन 415 कि चीटिंग क्या है, चीटिंग कैसे होती है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो चीटिंग को सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। सेकंड थिंग, बाय प्रिटेंडिंग टू बी द सेम पर्सन, प्रिटेंड करना। थर्ड, बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, किसी की जगह पर किसी और को सब्स्टिट्यूट करके चीटिंग करना। और बाय रिप्रेजेंटिंग, और बाय रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। तो यहां पर ये जो इनग्रीडियंट्स है, इन इनग्रीडियंट्स को अगर आप प्रूफ कर दोगे तो 416 इन पेनल कोड के रिगार्डिंग आप पर्सोनेशन आप प्रूफ कर रहे हो। तो एज फॉर द बेरेट लैंग्वेज इज कंसर्न, यहां पर हमने इनग्रीडियंट डिफाइन कर दिए। बेरेट लैंग्वेज भी सिर्फ यही कह रही है कि अ पर्सन इज सेड टू बी चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रटेंडिंग सो मच to be some same person, or by knowingly substituting one person for another, or by representing that he or any other person is a person other than he or such person really is। तो हम लोग इन ingredient को one by one करेंगे। काफी importance हमारे लिए ingredient, क्योंकि अगर आपको 416 को समझना है तो इसके ingredients हमें properly पता होने चाहिए। उसकी definition क्या है, उसकी interpretation क्या हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग उसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे ताकि आपको प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड इनग्रीडियंट, क्योंकि चीटिंग को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया 415 में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो 415 प्लीज आप उसको देख लो, तभी आप इसके एग्रेवेटेड फॉर्म को समझ पाओगे। तो सेकंड में क्या है, बाय प्रटेंडिंग टू बी द सेम पर्सन। अब ये प्रटेंड का मतलब क्या है, प्रटेंड का मतलब क्या है, मीन्स टू बिलीव इन ए पर्टिकुलर वे, टू मेक अदर पीपल बिलीव, किसी दूसरे पर्सन को, अपोजिट पर्सन को बिलीव करवा देना। इस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो ताकि वो ये मान ले कि जो आप कह रहे हो वो सच है, वो सही है, वो ट्रू है। सो हियर व्हेन अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग मेक्स अदर पर्सन बिलीव दैट ही इज अ सर्टन पर्सन। अगर आप किसी को बिलीव करवा रहे हो कि मैं ये पर्सन हूं, तो दैट मीन्स आप ये एक्ट कर रहे हो। बट अगर वहां पर चीटिंग नहीं है तो वो ऑफेंस भी नहीं है। सिर्फ पर्सोनेशन करना अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाता जब तक वहां पर चीटिंग ना हो। यहां पर वर्ड क्या लिखा, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो आपका चीटिंग करना वहां पर होना चाहिए, तभी वो 416 को अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं करता। नाउ यहां पर लिखा है सॉरी यहां पर एग्जाम्पल है, लाइक सपोज ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म डालकर बी के घर जाता है। दैट मीन्स वॉट, ही प्रटेंड्स इन ए पर्टिकुलर वे थ्रू हिज एक्ट बाय वेयरिंग द यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म। और वो जो अपोजिट पर्सन है वो बिलीव करेगा, करेगा ये पुलिस ऑफिसर है। अब वो पुलिस ऑफिसर है, दैट मीन्स वो उसके घर को सर्च करता है, राइट, अंडर फॉल्स सर्च वारंट, एंड टेक्स द वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स या गुड्स वो उसके घर से लेके चला जाता है। तो वो चीट कर रहा है, वो चीट कर रहा है। अगर वो सिंपल जाता, वहां पर कुछ ना कहता, उसको बिलीव करा के वापस आया था, वो चीटिंग, वो ऑफेंस नहीं था जब तक वहां पर चीटिंग ना हो। तो चीटिंग शुड बी देयर। यहां पर वो घर पे गया, उसका सर्च किया, ऑल दो उसको पता था कि वो ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, बट वो पुलिस ऑफिसर बन के वहां पर गया, उसको बिलीव करवाया, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, एंड ड्यू टू दैट ही सर्च हिज हाउस एंड टुक अवे द वैल्यूएबल आर्टिकल्स, एंड बाय दिस वे He cheated with the person. Secondly, तो ये था pretend करवाना, believe करवाना। Further हम ignorant की बात करेंगे, आप लिखा by knowingly substituting one person for another। तो ये substitute का system है यहाँ पे। आप किसी को substitute कर रहे हो, right? Like suppose यहाँ पर मैं example दे रहा हूँ, बड़ा easily example मैंने notes में वहाँ पर provide किया है वो example। For example, जो A है वो father है, उसकी लड़की का नाम
बी है, उसकी डॉटर का नाम क्या है, बी। अब ए चाहता है कि उसकी बेटी की मैरिज हो जाए, तो वो जो उसको देखने वाले आने वाले होते हैं उनके घर पे, बी को देखने के लिए घर पे आते हैं, तो वो क्या कहता है कि सी जो और लड़की होती है उनके घर रिलेटिव, उनकी फैमिली में जो रिलेशन में कोई लड़की होती है सी जो काफी सुंदर होती है, वो सी को वहां पर बिठा देता है, वो कहते हैं ये मेरी बेटी है बी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्चुअल में उसकी बेटी कौन है, बी है, बट उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सी को बिठा दिया और कहा कि ये मेरी बेटी बी है, और वो वहां पर उसको पसंद करके चला जाते हैं और उसको मैरिज हो जाती है। नाउ यहां पर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली उनको चीट करना बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, वन पर्सन सी को सब्स्टिट्यूट, बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी डॉटर की जगह, किसको उठा दिया सी को, और उसको क्या कहा, प्रटेंड किया ये खुद सी ही है जो उसकी बेटी बी ही है, और जिसकी वजह से उसका जो रिश्ता था वो तय हो रहता है, फिक्स हो रहता है, उसकी मैरिज हो जाती है, एंड लेटर ऑन उनको पता चलता है कि जो बेसिकली इन्होंने धोखा किया है, चीट किया है, तो यहां पर ये बाय नोइंगली वर्ड लिखा है, उसकी नॉलेज में है, एक ही नॉलेज में है कि जो सी है वो मेरी डॉटर नहीं है, बट स्टिल वो अपनी डॉटर की जगह पे सी को रिप्लेस कर देता है और चीट करता है, वो फैंस आया था चीटिंग बाय पर्सनेशन। देन थर्डली बाय रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर ही और सच अदर पर्सन। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दे दे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहां पर लिखा सपोज एन ओल्ड मैन इज अबाउट टू टेक हिज लास्ट ब्रीथ, एक ओल्ड मैन पता है डॉक्टर की हाँ भी इसकी डेथ होने वाली है, इसको इसलिए मतलब इट्स नॉट पॉसिबल सॉरी यहां पर ओल्ड मैन जिसको पता है कि मैं मेरी डेथ होने वाली है, और उसने क्या किया, ही मेक अ विल इन द नेम ऑफ हिज ग्रैंडसन, उसके खुद के बेटे की डेथ हो जाती है तो वो ग्रैंडसन के नाम पर एक विल बनाता है कि सारी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन के नाम पर विल में मेंशन कर देता है, और जिसका ग्रैंडसन है वो कहां पर रहता है, फॉरेन कंट्री में रहता है। अब फॉरेन कंट्री में रहता है, उसने विल बना दी, विल बनाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो विल अपने एडवोकेट को देकर उसकी डेथ होती है, राइट। ओल्ड मैन अपनी विल बनाकर एडवोकेट को दे देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। नाउ एक पर्सन जो जेड है जिसको ये फैक्ट के बारे में पता चल जाता है कि वो जो ओल्ड मैन है उसने अपनी सारी विल जो है वो अपने ग्रैंडसन के नाम पे मेंशन की हुई है, और एडवोकेट को ये पता ही नहीं है कि उसका ग्रैंडसन है कौन, और जेड जो एक्चुअल में फॉरनर होता है वो वापस आता है इंडिया में और ये प्रटेंड करता है कि बेसिकली मैं उसका ग्रैंडसन हूं, और वो जो विल है वो उसके नाम पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और सारी की सारी प्रॉपर्टी वो ले लेता है। बाद में जब उसका एक्चुअल में उसका रियल जो ग्रैंडसन है वो वापस आता है इंडिया, उसको पता लगता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ होती है, जब वो वापस आता है तब वहां पर उस एडवोकेट को पता लगता है कि यहां पर कोई और पर्सन चीट करके चला गया। तो यहां पर इसलिए ये फ्रेंड्स जो है वो चीटिंग बाय पर्सनेज का कवर होता है। तो ये वी हैव अ केस सुशील कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट, सुशील कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट में अक्यूज्ड जो है वो पर्सोनेटेड हिमसेल्फ एज अ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, और वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो है उसके एग्जामिन में अपेयर होता है और ही वाज अपॉइंटेड इन द कैंडिडेट, तो उसको अपॉइंट किया जाता है। बाद में ये पता लगता है कि जो उसका शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है, वो फॉर्जेड है, और उसको बाद में इस सेक्शंस में पर्सोनेट में पनिश किया जाता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो यहां पर ये बहुत इजी है क्योंकि नंबर ऑफ यहां पर हमारे इंडिया में नंबर ऑफ केसेस हैं 416 के रिगार्डिंग, कोई भी पर्सन पर्सोनेट करके किसी से भी धोखा कर लेता है, ये बहुत ईजी है, राइट। नॉर्मली गांव में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी होती है सबकी, राइट, किसी की सेपरेट प्रॉपर्टी भी हुई नहीं होती, अभी पार्टीशन नहीं होती, तो वहां पर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को शो करके अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवा लेता है, तो ये नॉर्मल फैंस है हमारे लिए। वी हैव अनदर सेक्शन जो शायद स्टूडेंट्स को बहुत कम पता है कि यहाँ पर पर्सोनेशन का एक और सेक्शन भी प्रिवेल कर रहा है हमारे इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग, ऑल दो वो एग्जिस्ट कर रहा है बट उसकी बेसिकली इन रियलिटी में अगर बात करें तो उसकी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। वी हैव अ सेक्शन 229, हालांकि मैं इस सेक्शन के साथ उसको रिलेट नहीं कर रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि पर्सोनेशन के रिगार्डिंग इंडियन पैनल कोड में एक और सेक्शन भी है, दैट इज 229 दैट डील्स विद द पर्सोनेशन ऑफ जूरर एंड द सेसर।
जूरी और असेसर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत पुराना है राइट, और ये जो सेक्शन है बेसिकली हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी रिव्यू ऑफ अबोलिशन ऑफ द ट्रायल्स विद द एड ऑफ असेसर एंड ज्यूरीज, क्योंकि अभी हमने असेसर और ज्यूरीज के एड से हमने ट्रायल करना बंद कर दिया है, तो इसलिए जो बेसिकली वाइट एक्ट 26 ऑफ 1955 से हमने ये जो असेसर और ज्यूरर की हेल्प से ट्रायल बंद कर दिया, तो इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऑल दो सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें पनिशमेंट 2 years की मेंशन की हुई है, बट क्योंकि अभी वो ज्यूरी नहीं है, अभी वो असेसर नहीं है जिसकी हेल्प से हम लोग वो ट्रायल कर रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है हमारे लिए, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं अभी हम 4(6) की रिगार्डिंग, तो उसको प्लीज एक बार फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर पर्सोनेशन की बात करें 4(1)(6) के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर उसकी जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब की गई है 4(1)(9) में, यहाँ पर लिखा गया है कि whoever cheat by personation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or with both, that is very important, 3 साल की सजा है, लाइक जैसे थेफ्ट में होती है राइट, वहां पर नॉर्मल, तो ऐसी ही सजा 3 years मैक्सिमम पनिशमेंट वहां पर हमें दी गई है। जब हमने सेक्शन 4(1)(5) किया था चीटिंग का, तो वहां पर जो चीटिंग थी इट्स अ सिंपल चीटिंग, जहां पर उसकी पनिशमेंट जो है वो 4(1)(7) में दी गई है, और 4(1)(7) सिर्फ हार्डली विच मेक्स एंड टू 1 year है, 1 year पनिशमेंट और विद फाइन और विद बोथ, बहुत कम पनिशमेंट यहां पर दी गई है। इसको हम फर्दर रिलेट करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है करेंगे 420 सेक्शन करेंगे, जब उसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग 415 और 420 सेक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा पार्ट, पर्सोनेशन रिगार्डिंग चीटिंग के रिगार्डिंग, ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बाद तो हम लोग मिसचीफ के रिगार्डिंग आ जाएंगे 425 ऑनवर्ड, तो वो नॉर्मल सेक्शन से ज्यादातर मेन में आते नहीं है, प्री में वो इंपॉर्टेंस है, तो ये जो पार्ट है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम पर्सोनेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप डिस्कस कर लेना। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ताकि इस सेक्शन को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया जा सके राइट। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।